लट्टू है एकदम। ओ भाई साहब फिर आगे निकली गोरिल्ला एकदम एपिसोड 156 157। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बहुत ही लेटेस्ट बाइक खड़ी हैं। एक है रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 और एक है NS 400Z। दोनों का आज हम करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस टेस्ट शैडो बाइक के साथ में, जिसका वेट मेरे से 15 kg कम है, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर पावर की बात करूँ, ये 450cc का इंजन है, 40 PS की पावर, 40 Nm का टॉर्क। इसकी बात करूँ, ये भी 400cc का इंजन है और इसकी जो पावर है 40 PS की पावर है, 35 Nm का टॉर्क है। Nm टॉर्क कम है लेकिन थोड़ी सी हल्की है रॉयल एनफील्ड से। बाकी देखेंगे इस सीधी रोड में परफॉर्मेंस में क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, क्या NS बीट कर पाएगी इसको, क्या गोरिल्ला बीट कर पाएगी इसको, ये तो आपको अभी प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे इस रोड पे। तो सीधे मिलते हैं ड्रैग में बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के। तो चलिए मैं चलाने जा रहा हूँ पल्सर NS 400Z और देखेंगे कि हम हरा पाते हैं गोरिल्ला को। ये तो भैया मुझे भी नहीं पता है, अब पता चलेगा इस रोड में। लेट्स सी एंड देखते हैं कुछ उखाड़ पाते हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया और NS ने भी प्राइस पॉइंट को देखे तो NS ने बहुत ही बढ़िया टक्कर दी है गोरिल्ला को यार, बहुत ही बढ़िया टक्कर, मजा आ गई। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है वेट का डिसएडवांटेज मिला है। हाँ भाई हल्का सा, हाँ बहुत हल्का सा आ गई थी, ज्यादा मतलब अंतर नहीं था। लेकिन भाई यार क्या भागी है गोरिल्ला, तगड़ा भागी है। क्या चीज हाँ सर्विस नहीं है फिर भी भाग रही है भाई, बहुत तगड़ी भागी है यार, कुछ भी कहिए। अभी हम चलाएंगे और देखेंगे भाई, भाई को हम देते हैं NS और अपन ये चलाएंगे क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम इसको चलाएंगे यार। तगड़ा भागी है, तगड़ा। बहुत तगड़ी भागी है। इनिशियल इसका अच्छा है, NS का इनिशियल अच्छा है क्योंकि भाई वो भारी बाइक है। तो आप देखते हैं टॉप एंड में जा रहता है। अरे भाग रही है यार ये भयंकर,
क्या पावर है भाई, बहुत तगड़ी पावर है इसमें। तो अपन मैम देखेंगे क्या रहता रिजल्ट। पांचवा गियर में लगा दिया भाई, गोरिल्ला जस्ट बगल में आ रहा है, ये निकली गोरिल्ला। और स्मूथनेस तो यार अलग लेवल की है। गोरिल्ला निकली, गोरिल्ला गई बहुत तेजी से गई भाई। ये यार कुंदन भाई स्लिप स्ट्रीमिंग नहीं करने देते। ओ भाई साहब तगड़ी, बहुत तगड़ी भाग रही है। लगा हुआ 163, इसका स्पीडोमीटर भी थोड़ा इधर है, उसका एकदम एग्जैक्ट है भाई लगभग। एक नंबर, बहुत पीछे है क्या, अभी देखते क्या रहता रिजल्ट। 170 गजब भागी है भाई, गजब मजा आ गई। ज्यादा पीछे हो गए थे क्या? हाँ ज्यादा गैप नहीं था, ज्यादा गैप नहीं था। हाँ 10 का एरर है उसमें। तो भाई अभी आप लोग देख सकते हो भाई, बहुत ही स्मूथ भाग रही है ये भाई। मैं बताऊंगा 8000 और 9000 आरपीएम में भी ना इसका इंजन इतना बढ़िया चल रहा है, मतलब जैसे लग ही नहीं रहा है कोई झटके मिल रहे हैं, एकदम स्मूथ वाइब्रेशन फ्री। तो भाई गोरिल्ला ने यार कमाल मचा दिया इस प्राइस पॉइंट में। यार ये गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो अभी देर मत करिए, जाके बुकिंग करिए, बुकिंग चालू हो चुकी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, होप करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।